निकलना। उसका फोन आया, दीदी आपको क्या हुआ है? मैंने कहा क्यों क्या हो गया? कहते आपको शबरी मना का इतिहास पता है? आपको लॉर्ड अयप्पा कौन है, उनका जो परमानेंट इटर्नल ब्रह्मचर्य की अवस्था है वो पता है? मैंने कहा मुझे नहीं पता, प्लीज टेल मी। बिंदु ने मुझे बताया। बिंदु कहती है कि शनि धाम है, 18 पहाड़ है, बीचों बीच शबरीमला का मंदिर है, 1300 मीटर की ऊंचाई पर वो मंदिर है, घने जंगल है, पंपा नदी आसपास है, लॉर्ड अयप्पा वहां ब्रह्मचर्य की अवस्था में है। और लॉर्ड अयप्पा कौन है, तो उनका जन्म कैसे हुआ? भगवान शिव, भगवान विष्णु जो मोहिनी के अवतार में थे, उनके संगम से लॉर्ड अयप्पा का जन्म हुआ। उनको जंगल में छोड़ दिया गया। जंगल में जब पंडनम का राजा शिकार करने गया, उसने उस बच्चे को देखा, देखकर महल में ले गया, बच्चे का नाम मणिकांता रखा, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी, वेदों की ट्रेनिंग दी। गुरु ने कहा दिव्य शक्तियां हैं इस बच्चे में, ये डिवाइन पावर्स लेकर यहाँ धरती पर आया है। रानी बीमार पड़ी, चिकित्सक ने कहा शेरनी का दूध चाहिए। मणिकांता गया, शेर पर सवारी की, शेरनी का दूध लेकर आया। आया राजा नतमस्तक हो गया, नमस्कार किया। राजा ने कहा मुझे आशीर्वाद दो। उन्होंने आशीर्वाद दिया मोक्ष का अपने पिता को और कहा अब मैं यहाँ से जाऊंगा। राजा ने कहा मैं एक महल बनाना चाहता हूँ। तीर छोड़ा जो शबरीमला की पहाड़ी पर गया, कहा यहाँ मैं ब्रह्मचर्य की अवस्था में सदा ही रहूंगा। ये कहानी है जो बिंदु ने मुझे बताई शबरीमला मंदिर की। और तब से या नैष्ठिक ब्रह्मचारी यानी इटर्नल ब्रह्मचारी करके लॉर्ड अयप्पा विद्यमान है। हर मंदिर की एक कहानी होती है, हर मंदिर का एक देवता होता है, उनका रहन सहन अलग होता है, खान पान अलग होता है, उनके वस्त्र अलग होते हैं, उनका दिल अलग होता है। हिंदुइज्म में इस डायवर्सिटी को हम टॉलरेट नहीं करते, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। लॉर्ड अयप्पा ने अपने ऊपर कुछ नियम बनाए। उन्होंने महिला और पुरुष दोनों भक्तों के लिए कुछ नियम बनाए। ये ऐसा मंदिर है जहां भक्त और भगवान दोनों के कुछ नियम है। लॉर्ड अयप्पा ने जो अपने ऊपर नियम बनाए तो यही था कि मैं यहाँ ब्रह्मचारी हूँ, मैं जो महिला को देखूंगा या बच्ची के रूप में देखूंगा जो 10 वर्ष से कम की है, या मैं माँ के रूप में देखूंगा जो 50 वर्ष से ऊपर की है। 10 से 50 वर्ष तक महिला नहीं आए, ये महिला के खिलाफ नहीं है। मैं अपने ऊपर संयम रखने के लिए कुछ नियम बना रहा हूँ। बिंदु ने मुझे आगे बोला, बिंदु ने कहा दीदी लगभग 20 लाख हिंदू मंदिर है देश भर में, सभी में औरतें जाती हैं। लगभग 1000 अयप्पा भगवान के मंदिर हैं, सब में औरतें जाती हैं। ये एक मंदिर है जहां अयप्पा भगवान कहते हैं मैं ब्रह्मचारी हूं, केवल यहां मत आओ, इस उम्र की मत आओ, बाकी 999 टेम्पल्स में जाओ। प्रॉब्लम क्या है? 999 टेम्पल्स में जो अयप्पा भगवान है, या वो शिशु अवस्था में है, या वो वानप्रस्थ अवस्था में है, या वो गृहस्थ अवस्था में है, केवल ये एक मंदिर जहां वो ब्रह्मचारी है। प्रॉब्लम क्या है? ऐसा कौन भक्त होगा जो कहेगा नथिंग नो आई विल गो, भगवान कह रहे मत आओ, बोलो आई विल गो, मैं 900 अलग मंदिरों में नहीं जाऊंगा, यही जाऊंगा जहां बनाई है। ये भक्त और भगवान का रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। ये एक्टिविज्म है और एक्टिविज्म के लिए रामलीला मैदान बना है, कोई मंदिर नहीं। आगे जो भक्तों के लिए निर्णय है, भक्तों के लिए नियम है, आप यहां से तय करेंगे मैं फ्लाइट पकड़ कर जाऊंगा शबरीमला, आदमी भी नहीं कर सकते, 41 डेज का फास्ट रखना पड़ेगा, आपको शरीर मन बुद्धि विचार को प्योरीफाई करना पड़ेगा, आप तभी जा सकते हैं। 41 डेज का फास्ट यानी तपस्या, व्रत करना पड़ेगा, काले कपड़े पहने पड़ेंगे, माला जपनी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, पत्नी या किसी महिला का संग नहीं करना पड़ेगा, ना मीट ना नशा, एक वक्त का भोजन, स्वयं भोजन को पकाना,
धरती पर सोना, सुबह शाम पूजा, दो बार नहाना, पैरों में चप्पल नहीं। इस प्रकार से जब पूर्ण रूप से स्वच्छ होंगे तन से और मन से, आप अयपर स्वामी बन जाएंगे, उनके साथ एक हो जाएंगे, तभी आप ये तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। यानी स्त्रियों के लिए भी नियम है, भगवान के लिए भी नियम है और आदमियों के लिए भी नियम है। बिंदु ने मुझे आगे कहा, बिंदु कहती है दुख तो इस बात का हुआ कि कोर्ट ने ये नहीं पूछा पिटिशनर कौन है। कहते दीदी आज मैं तय करूं कि ट्रिपल तलाक तो समाप्त हो गया है, मैं तलाक के एहसान और तलाक के हसन दोनों के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन डालना चाहूं, मैं हलाला के खिलाफ चार शादियों के खिलाफ कोर्ट में पिटीशन डालना चाहूं। कोर्ट ने कहा हुआ यू आर यू अ मुस्लिम, आर यू अ मुस्लिम वुमन, आर यू डिवोर्स, तलाक दिया है तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड ने कि हस्बैंड ने चार शादियां करेंगे। अगर नहीं की है पिटीशन विल बी डिसमिस्ड एंड विद कॉस्ट। यहां पिटीशनर से पूछा नहीं गया, पूछा नहीं गया कि क्या आप लॉर्ड अयप्पा के भक्त हैं, केरल को बता सकते हो मैप पे केरल है कहां पर, 41 डेज का व्रत किया है क्या। बिंदु ने कहा दीदी तकलीफ इस बात की है कि याचिका करता है इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन जिनके प्रेसिडेंट है नौशाद अहमद खान। एसोसिएशन कहती है हम विमेन राइट्स के लिए काम करते हैं। कहां काम करते हैं, दिल्ली और दिल्ली के आसपास काम करते हैं। मालूम कैसे चला कि शबरीमला में क्या हो रहा है, तो समाचार पत्र में आर्टिकल पढ़े। किस किस के आर्टिकल पढ़े, बरका दत्त का आर्टिकल पढ़ा, हिंदुस्तान टाइम्स में 1 जुलाई 2006 को सेंट ऑफ अ वुमन बरका दत्त का आर्टिकल आया। दूसरा आर्टिकल पढ़ा श्रावणी पंडित का टाइम्स ऑफ इंडिया में 1 जुलाई 2006 को। और तीसरा आर्टिकल पढ़ा वीर सांगवी का हिंदुस्तान टाइम्स में 2 जुलाई 2006 को। तब मालूम चला कि शबरीमला भी है और शबरीमला में 10 से 50 वर्ष के बीच में महिलाओं को अंदर प्रवेश की इजाजत नहीं है, इसलिए पिटीशन डाली। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये मैं जजमेंट से बोल रही हूं। बिंदु ने आगे कहा दीदी पिटिशनर की एक बार तो एडमिट हो गई पिटिशन, पर ग्राउंड इतने शर्मनाक है कि हम सबको लज्जा आ गई। ग्राउंड्स क्या थे, बिंदु ने कहा दीदी ग्राउंड्स ये थे कि 10 से 50 वर्ष की आयु के बीच में महिलाएं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती हैं, ये आर्टिकल 14, 1921 का वायलेशन है, इसलिए स्कूल को स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए। पर पाबंदी क्यों है महिलाओं के ऊपर, क्योंकि इनको मंथली पीरियड्स होते हैं, मेंस्ट्रुएशन होती है, इसलिए इम्प्योर होती हैं, पॉल्यूटेड होती हैं, मंदिर के बाहर ही ठीक है, ये छुआछूत है, अगर इनको अलाउ नहीं करते ये अनटचेबिलिटी है, इसलिए रूल को समाप्त करना चाहिए। बिंदु ने कहा दीदी हम 100% लिटरेट लेडीज हैं केरला में, हम डॉक्टर्स हैं, हम नर्सेस हैं, हम प्रोफेसर्स हैं, हम इंजीनियर्स हैं, कोई ऐसा हमें कहेगा कि हम पॉल्यूटेड हैं, हम इम्प्योर हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। आज जब लाखों लेडीज अगर सड़क पर उतरी हुई हैं, ये कहने के लिए कि वी आर रेडी टू वेट, हम नहीं जाना चाहते शबरीमला में, यानी एक कारण नहीं था, ये रॉन्ग क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। जो पिटिशनर्स ने ये गलत क्वेश्चन फ्रेम किया, तो गलत क्वेश्चन का जवाब तो गलत ही मिलेगा ना। पर प्रॉब्लम क्या हो गई, जो 3 जजेस बेंच से 6 जजेस 5 जजेस बेंच को ये क्वेश्चन दिया गया कि क्वेश्चंस के हमें आंसर चाहिए, ऐसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए। उसे मेन क्वेश्चन ये था कि मेंस्ट्रुएशन के कारण से महिलाओं को 10 से 50 साल के बीच में मंदिर प्रवेश की इजाजत नहीं दी जाती, इजंट इट डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं है क्या, ये रूल स्ट्राइक डाउन नहीं कर देना चाहिए। उसने कहा दीदी ये रॉन्ग क्वेश्चन था जिसका रॉन्ग आंसर आया, हाँ स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए। कि दीदी मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछूं या किसी में अपने भाई से पूछूं कि क्या, किसी भी पति से पूछूं कि क्या आज आप फिर अपनी पत्नी से पिट कर आए हैं, इसका आंसर हाँ होगा या ना होगा, दोनों गलत होंगे, क्वेश्चन ही गलत है तो आंसर गलत।
क्वेश्चन होना चाहिए था जो वहां 3 जजेस को 5 जजेस को भेजना चाहिए था। क्वेश्चन ये होना चाहिए था, लॉर्ड अयप्पा यहाँ ब्रह्मचारी अवस्था में है, वो जो लड़कियां हैं महिलाएं हैं उनको बच्ची और मां समान देखना चाहते हैं, 900 मंदिर और हैं, हर जगह महिला जा सकती है, अगर यहाँ बेटी की इच्छा के अनुसार महिला नहीं जा रही, क्या ये भेदभाव है? आंसर आता नहीं, ये भेदभाव नहीं है, क्योंकि कन्याकुमारी के मंदिर में भी शादीशुदा पुरुष नहीं जा सकते, वहां माँ ने पूजा की थी भगवान शिव के लिए, वहां महिलाएं जा सकती है, शादीशुदा पुरुष वहां नहीं जा सकते, वो भी भेदभाव नहीं है, ये ट्रेडिशन है, इन ट्रेडिशन को तो देखा ही नहीं गया, रॉन्ग क्वेश्चन फ्रेम किया, रॉन्ग आंसर उसका आया। तो जो 5 क्वेश्चन कोर्ट ने 3 जजेस बेंच ने 5 जजेस बेंच को भेजे, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया। दूसरा प्रश्न था कि जब महिलाओं को 10 से 50 वर्ष के बीच में मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता, क्या ये डिस्क्रिमिनेशन है या ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है क्या? दूसरा प्रश्न था, इसका आंसर जजेस ने कहा नहीं नहीं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी के तहत तो हर कोई अंदर जा सकता है। राइट क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया, उस ब्रह्मचारी के बारे में बात नहीं की गई ना, राइट टू इक्वालिटी और फ्रीडम और डिग्निटी के आसपास ही घूमते रहे, जैसे प्रज्ञा देवी ने कहा कि मिसमराइज रहे इसी पर। तीसरा क्वेश्चन, क्या अयप्पा अलग संप्रदाय है? आंसर वाज नो, क्योंकि आर्टिकल 26 में अगर ये अलग संप्रदाय होते तो वो ये रेगुलेशन कर सकते थे, जो अलग संप्रदाय होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी रख सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्या ये वायलेट करता है आर्टिकल 14, 15, 19, 21 को? आंसर दिया गया हाँ, ये वायलेट करता है इन सभी क्वेश्चंस को। जो रिव्यू पिटीशन है वो ये तो कह रही है बहुत सी बातों में से कि क्वेश्चंस कौन से फ्रेम कर दिए आपने, क्वेश्चन तो ठीक फ्रेम कर लो, हमारी जो राइट्स ऑफ डेटी है उनकी बात तो कर लो, वर्शिपर्स के फेथ की बात तो कर लो। तो बिंदु ने अंत में मुझे कहा कि दीदी जस्टिस इंदु मल्होत्रा भी तो बेंच पर थी, 4 जजेस ने जो कहा कि नहीं महिलाओं को इजाजत दो, इंदु मल्होत्रा कहती कोई आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है? इंदु मल्होत्रा जी ने क्लियरली कहा कि आस्था के मामले में कॉन्स्टिट्यूशनल तर्क मत दो, डू नॉट ब्रिंग योर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और रैशनैलिटी इन मैटर्स ऑफ फेथ, वो ला नहीं सकते, उसे मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों को प्रॉब्लम हो जाए। दूसरा इंदु मल्होत्रा जी ने कहा प्रैक्टिशनर्स कौन है? वो डिवोटीज नहीं है, वो विमेन राइट्स एक्टिविस्ट है, इसी ग्राउंड पर पिटीशन डिस्मिस कर देनी चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी डिवोटीज उस फेथ के तो होते हैं, ये ट्रेंड गलत है। चौथा उन्होंने कहा कोई हार्मफुल प्रैक्टिस होती है जैसे सभी पता होती है, उस तरह की इवन प्रैक्टिस को स्ट्राइक डाउन करना चाहिए, इवन प्रैक्टिस नहीं है। उन्होंने कहा 900 मंदिरों में महिलाएं जा सकती हैं, केवल एक मंदिर है जहां ब्रह्मचारी है इसलिए नहीं जा सकती, तो ये कस्टम की बात है, ये ट्रेडिशन की बात है। पिटीशन को अलाउ कर लिया गया और ये कह दिया गया जो बहुत ही शर्मनाक बात आई थिंक सभी केरला की महिलाओं के लिए थी, इसलिए सब पढ़ लिखी महिलाएं भी, बाकी सब महिलाएं या सड़कों पर है, जो कोर्ट ने कहा कि मेंस्ट्रुएशन के बेसिस पर विमेन के साथ भेदभाव है, ये अनकंसिडरेबिलिटी है, ये छुआछूत है, ये गलत है, इसलिए हम इस रूल को खारिज करते हैं कि 10 से 50 साल के बीच में महिला सभी मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकती। अब इंदु ने मुझे क्या कहा, उसने कहा दीदी हम सब पढ़ी लिखी है ना, हम सड़कों पे हैं और यहाँ जो कम्युनिस्ट लीडर्स हैं उनके यहाँ और प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि उनकी महिलाएं भी सड़कों पर आ गई हैं। वी आर रेडी टू वेट, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो शबरीमला का ये मंदिर है ये टूरिस्ट स्पॉट बनता जा रहा है, ये पिकनिक स्पॉट बनता जा रहा है, जो भी नॉन हिंदू है चाहे मुस्लिम है चाहे क्रिश्चियन महिलाएं हैं वो कहते हैं हम तो जबरदस्ती यहाँ पर जाएंगे, वो डिवोटीज नहीं है, वो एक्टिविस्ट हैं और एक्टिविस्ट यहाँ आ रही है, ऐसा लग रहा है हम कब तक रोक पाएंगे इसको, कि आखिर सहने की भी सीमा होती है, सागर के उर्मी भी ज्वाला होती है, मलयानी कभी बवंडर बन ही जाता,
भोले शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता। उसने कहा और मैंने सुना और मुझे पहली बार लगा कि मैं दिल्ली के चश्मे से शबरीमला को केरल को देख रही थी, मैं वेस्टर्न रिलीजन के चश्मे से शबरीमला को देख रही थी। क्यों मुझे नहीं दिखा कि जो अथुक्कल टेम्पल है केरला में, वहां महिलाओं की पूजा होती है, वहां पोंगल फेस्टिवल में 30 लाख महिलाएं आती हैं, आदमी एंटर नहीं कर सकते। वहां लॉर्ड ब्रह्मा का जो मंदिर है पुष्कर में राजस्थान में, वहां मैरिड मेन कैन नॉट एंटर। भगवती माँ का मैंने बताया कन्याकुमारी में, जहां वो तपस्या की भगवान शिव के लिए, वहां मैरिड मेन कैन नॉट एंटर। कामरू कामाख्या टेम्पल में आसाम में जब माँ को महावारी होती है, ओनली विमेन प्रीस्ट आर अलाउड इनसाइड, ओनली विमेन कैन गो इनसाइड। वी सेलिब्रेट दीज डिफरेंट साइकिल्स, वी सेलिब्रेट देम। लेकिन अब जो हो गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स है यहाँ इक्वालिटी फ्रीडम और डिग्निटी के, ये कस्टम्स में नहीं आ सकते, ये ट्रेडिशंस में नहीं आ सकते। वरना कहा जाएगा कि नवरात्र में कन्या पूजन ही क्यों होता है, लड़कों का पूजन होना चाहिए। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट मेन एंड बॉयज। कल वो 5 साल का लड़का इसको भी करेगा, फिर कहेंगे तुम गणेश जी को केवल लड्डू ही क्यों चढ़ाते हो, हनुमान जी को केवल बूंदी का प्रसाद ही क्यों चढ़ाते हो। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। कहां कहां तक जाओगे और क्या क्या बात करोगे। इसलिए इन मैटर्स ऑफ फेथ, इनको कहते हैं एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस। एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होती है विच इज कोर टू योर रिलीजन, विच इज फंडामेंटल टू योर रिलीजन। इफ दोज प्रैक्टिसेस आर चेंज, देन योर रिलीजन विल नॉट रिमेन द सेम, योर रिलीजन विल चेंज। तो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस विच आर इंटीग्रल टू योर रिलीजन, उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकते। ट्रिपल तलाक उन्होंने कहा था, ट्रिपल तलाक इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। कोर्ट ने वो इश्यू फेल किया था और कहा था ट्रिपल तलाक इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। इसलिए बहुत आवश्यक है डिफाइन करना हमारे कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस, और ये एसेंशियल है, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो यही कह के अपनी बात समाप्त करूंगी कि सीपीआईएम की गवर्नमेंट है केरला में, शबरीमला में भक्तों पर बहुत अत्याचार हुए हैं, महिलाओं की प्रोफाइलिंग की गई है कि कौन सी महिला कहां पर विरोध कर रही थी, ऐसे महिलाओं की प्रोफाइलिंग चल रही है, जेलों में डाला गया है, हजारों लोग कई समय से बंद हैं। अब मैंने आज ही न्यूज़पेपर में कहीं पढ़ा कि हेलीकॉप्टर से महिलाओं को शबरीमला में लाया जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि 900 मंदिर और हैं, कहीं और नहीं जा रहे हैं, केवल शबरीमला में ही आना है और एक्टिविज्म करना है। तो रामलीला मैदान है, अभी दिवाली गई है, होली आने वाली है, फिर करवा चौथ आएगा, बहुत मौके मिलेंगे एक्टिविज्म करने के, पर कस्टम और ट्रेडिशन को छोड़ना चाहिए। मैं एक बात और कहूँगी कि जो आज महिलाएं सड़कों पर आई हैं उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और जो 40 रिव्यू पिटिशन्स फाइल हुई हैं उसका एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। सारा का सारा फोकस यही रहेगा, आस्क द राइट क्वेश्चंस, यू विल गेट द राइट आंसर्स। तो ये कहकर अपनी बात समाप्त करूंगी। 13 तारीख दूर नहीं है, 13 तारीख आने वाली है जब रिव्यू पिटिशन्स को सुना जाएगा। उसके बाद कई सारे केसेस और भी लगे हैं उन दिनों में, तो कोशिश कीजिए जितना आप सोशल मीडिया पे कर सके, केरला की महिलाएं तो कर ही नहीं है, आप सोशल मीडिया पे कीजिए। जो लॉयर्स इस केस में हैं वो कोर्ट्स में करेंगे, जो जजेस हैं जजेस पर एक प्रकार का प्रेशर आना चाहिए, प्रेशर यानी उनको कहना चाहिए कि दिल्ली के चश्मे से आप केरल को मत देखो, इतना ही बस कहना है। तो आज मैंने सूर्य से बस जरा यही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा, तम तमा के वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं, तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ू, आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ू कुछ। जय जय।